है एवरीबॉडी माई सेज साक्षी वेलकम टू आवर चैनल डायमंड एकेडमी एंड टुडे टूडेज वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैथ्स वर्कशीट वन क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम चैप्टर वन सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ द क्वेश्चन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स दैट मीन्स ये जो सारे जो क्वेश्चन दिए हुए वन टू थ्री फोर जो दिए हुए इनमें से कौन जो है वो रेशनल नंबर है ठीक है आई थिंक आप लोगों को पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है नहीं हो नहीं पता है तो ठीक है मैं बता इट्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay, तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिया होगा सो विदाउट एनी फर्दर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सो लेट स्टार्ट यह जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस थ्री तो डज माइनस थ्री इज़ अ रेशनल नंबर येस और नो ये हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है ओके तो रेशनल नंबर क्या होता है आई होप आप लोगों सभी ने पढ़ा हुआ होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं मैं आप लोग आप को बता देती हूँ एक शॉर्ट व्यू में रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके दैट्स मीन्स कि अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब वो एक रेशनल नंबर है सपोज़ रेशनल नंबर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ फोर बाई फाइव तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं देट मीन्स ये रेशनल नंबर है और भी इसमें एक कंडीशन होता है जो क्या होता है यहाँ पे q जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है मतलब हमारा q जो है जीरो को छोड़कर कोई भी कोई भी बोल सकते नंबर हो सकता है ओके okay. हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तो सर चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉरी हाँ तो हमारा क्वेश्चन था माइनस थ्री तो माइनस थ्री एक रेशनल नंबर है या नहीं तो सबसे पहले हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में ये हो सकता है या नहीं तो देखते हैं ऑफ ऑफकोर्स ये हो सकता है क्योंकि पी बाई क्यू यहाँ पे तो ये बोला ना क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है वन तो हो सकता है और आप लोगों को पता होगा किसी भी लेटर के नीचे वन होता है वन छुपा रहता है या फिर वन होता है ऐसा होता है तो ये किस फॉर्म में आ गया है? ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गया है आ गया ना इसका मतलब क्या है यस इट इज अ रेशनल नंबर तो यस yes. ओके okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस टू बाई थ्री क्या एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो यस ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है आप लोग इसको देख सकते हो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा पी यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू और क्यू क्या हो जाएगा क्यूँ हो जाएगा थ्री दैट मीन्स ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है सो इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर ओके तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे यस इट इज़ अ रेशनल नंबर ओके है तो ना तो थर्ड क्वेश्चन इज फो बाई जीरो तो फो बाई जीरो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये क्वेशनल नंबर है या नहीं है तो ठीक है देखते हैं तो वो पी यहाँ पे क्या है हमारे पास सॉरी पी यहाँ पे क्या है पी है हमारे पास फोर ओके एंड क्यू क्या है जीरो है तो आप लोग को याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया जस्ट कि पी जहाँ पे रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जहाँ पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है दैट्स मीन्स कि ये जो हमारा क्यू दिया हुआ है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा मतलब वहाँ पे जीरो नहीं होगा वो जीरो नहीं होगा ठीक है तो मतलब क्या होता है ये रेशनल नंबर नहीं है ओके okay. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर बाय ज़ीरो है फोर बाय ज़ीरो है, है तो रीज़न हम लिख देंगे कि फोर तो भाई इक्वल टू हो सकता है सॉरी एक मिनट फोर तो इक्वल है बट क्यू जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा ठीक है तो इस कंडीशन से ये जो हमारा है वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा दैट मीनस नो बिग नो ओके सो हेयर द आवर फोर्थ क्वेश्चन इज जीरो बाय माइनस फाइव माइनस फाइव डिला हुआ था पर मैंने यहाँ पे माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है ओके okay. तो लेट्स सी क्या ये हमारा रेशनल नंबर है है या नहीं तो देखते हैं. तो रेशनल नंबर में हमारे क्या कंडीशंस थे पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और सेकंड क्या था जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो कौन इक्वल टू नॉट जीरो q दैट्स मीन्स ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए हमारा q ओके okay, तो ये तो नहीं है एंड पी तो पी में तो हमारा कोई कंडीशन नहीं ना था पी जहाँ पे हमारा कोई कंडीशन नहीं था कि पी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता फिर पी ये नहीं हो सकता ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं था रेशनल नंबर में सो so दैट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं p अगर ज़ीरो दिया भी है तो वो एक रेशनल नंबर होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोगों का कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा होता है कि क्यों नहीं क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना कि पी तो पी हमारा जो है वो ज़ीरो हो सकता है और क्यों हो सकता है तो क्यों क्या होगा भाई क्यों क्या होगा क्यों क्या होगा जब पी ए हो गया जीरो हो तो क्यों क्या होगा तो क्यों हो जाएगा सिंपली वन वन कैसे हो जाएगा मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया किसी भी लेटर के नीचे वन जो होता है छुपा हुआ रहता है ओके तो ये हो सकता है तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन दे रहा है माइनस जीरो बाई फाइव ओके तो पी हमारा जीरो हो जाता है क्यों क्या दिला हुआ है क्यों दिला हुआ है फाइव माइनस फाइव मीन्स ये भी है जो एक रेशनल नंबर है तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेशनल नंबर ओके फ्रेंड्स सो गाइस आज के लिए इतना ही अगर आप लोग को मेरे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हो और वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच